सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी से गुजारिश, अपील, निवेदन करता है कि 7 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदान अवश्य करें। इस अपील के साथ आइए अब रुख करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बहू के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। सूत्रों की माने तो टिकट के लिए ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बहू लखनऊ में डटी हुई हैं। इस बात की चर्चा को लेकर जिले की सियासत गर्मा गई है। सूत्रों की माने तो बीएसपी के टिकट पर ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बहू व विष्णु मिश्रा की पत्नी ज्ञानपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि टिकट के लिए करीब करीब कागजात भी तैयार कर लिए गए हैं और कभी भी टिकट की घोषणा बाहुबली के बहू के नाम की हो सकती है। ऐसे में भदोही जिले की सियासत गर्माती नजर आ रही है। अपने ससुर के ही सीट से विष्णु मिश्रा की पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कई मामलों में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं और बेटा विष्णु मिश्रा फरार है। औराई से पूर्व विधायक मधुपाल अब्बासी का टिकट सपा ने काट दिया है। अंजनी सरोज पर भरोसा जताते हुए औराई विधानसभा सीट से नए चेहरे को सपा ने मौका दिया है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने डंके की चोट पर औराई विधानसभा सीट को लेकर यह खबर दिखाई थी कि पूर्व विधायक मधुपाल अब्बासी को टिकट मिलना मुश्किल है। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबर डंके की चोट पर सच साबित हुई है। 394 औराई विधानसभा सीट से अंजनी सरोज को सपा ने टिकट दिया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने चंदौली निवासी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को 393 ज्ञानपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। आपको बता दें कि इस सीट पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का लंबे समय से सिक्का कायम है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर के मझवा विधानसभा 397 से तैयारी कर रहे थे, लेकिन सपा ने उन्हें ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के गढ़ में उतारा है। भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के चौरी रोड पर एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। काफी देर से कपड़े का यह लावारिस बैग पड़ा हुआ था। लावारिस बैग को लेकर धीरे धीरे चर्चा इलाके में फैलने लगी। देखते ही देखते वहां भीड़ जुटने लगी थी। लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को देने के लिए फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लग सका। कुछ लोगों ने हिम्मत कर बैग खोला तो उसमें एक जिंदा कबूतर, प्लास्टिक का गदा, लाल कपड़ा, प्लास्टिक की गुड़िया, नींबू, सिंदूर आदि सामान मौजूद था। यह देख लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस बीच वहां पहुंचे कुछ लोगों ने कबूतर को उड़ाते हुए समीप के गड्ढे में बैग को फेंक दिया। अबोली विकास खंड के भदोही विधानसभा के बूथ संख्या 4, वार्ड संख्या 10 से 15 का मतदान स्थल प्राथमिक विद्यालय बैरी बोझ डडिया में बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर मतदाताओं में नाराजगी देखी जा रही है। मतदाताओं ने एसडीएम भदोही को एक पत्र देते हुए गांव में प्रदर्शन भी किया है। कहा कि पिछले 25 वर्षों से इस बूथ का मतदान स्थल प्राथमिक पाठशाला नीबी चौर में मौजूद था, लेकिन अब लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह बूथ डंडिया में बनाया जा रहा है। इस बात से मतदाताओं में नाराजगी है। बैरी बोझ के ग्राम प्रधान अशोक कुमार बिंद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए मतदान स्थल नीवी चौर पर ही निर्धारित किए जाने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से खुले मौसम के बाद जहां खिली धूप निकल रही है, वहीं 11 फरवरी तक एक बार फिर भदोही जिले में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के अनुसार 11 फरवरी के करीब बादल छा सकते हैं, जो बूंदाबांदी के कारण बन सकते हैं। आने वाले सप्ताह में कोहरा भी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की गति अधिक होगी। भदोही विधानसभा 392 के सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जाहिद बेग 14 फरवरी को नामांकन करेंगे। यह जानकारी सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने दी है। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के
डीएम सिंह गहरवार भी भदोही विधानसभा 392 के लिए 11 फरवरी को नामांकन करेंगे। नामांकन की जानकारी खुद जनता दल यूनाइटेड के भदोही प्रत्याशी डीएम सिंह गहरवार ने दी है। कहा कि पूजा अर्चन के बाद नामांकन के लिए मुख्यालय रवाना होंगे। वाराणसी मार्ग के चौरी थाना अंतर्गत कंधिया रेलवे फाटक पर बल्ली लदा एक ट्रक पलट गया। यह हादसा रात करीब 2:30 बजे का है। ट्रक प्रतापगढ़ के लालगंज सरैया के छेमर निवासी रफीक अहमद चला रहा था। रेलवे ट्रैक पर बल्ली लदा ट्रक पलटने से रेलवे ट्रैक 2 घंटे 50 मिनट तक बाधित रहा। इस दौरान भदोही रेलवे स्टेशन पर गंगा कावेरी एक्सप्रेस, महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस तथा मोड़ स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन को रोकना पड़ा। स्थानीय पुलिस के अलावा रेलवे पुलिस भी सूचना पर पहुंच गई थी। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए पलटी ट्रक व बल्ली को हटाकर रेलवे ट्रैक खाली कराया गया, तब जाकर रेलवे ट्रैक पर आवागमन बहाल हो सका। 2 घंटे 50 मिनट तक कंधिया रेलवे फाटक पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ट्रक पलटने से फाटक बूम व स्लाइडर लॉक भी क्षतिग्रस्त हो गया था। ज्ञानपुर इलाके के सरई रजपुतानी व पूरे दीवान के मध्य 11,000 हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जहां इलाके की आपूर्ति एक सप्ताह से ठप है, वहीं टूटकर गिरे तार में आज भी विद्युत प्रवाहित हो रही है, जिसकी चपेट में आने से अब तक नीलगाय सहित दूसरे जानवरों की मौत हो चुकी है। विद्युत आपूर्ति ठप होने से इलाके के 17 ट्यूबवेल भी किसानों के बंद पड़े हैं, साथ ही 200 घर अंधेरे में हैं। नाराज सराई रजपुतानी इलाके के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ गांव में ही मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में गांव के विशाल सरोज, छविनाथ, वसीम अली आदि ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने भदोही नगर पालिका इलाके के रैमलपुर में मौजूद गौशाला का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में गौशाला की पोल खुली है। गौशाला में मौजूद पशु पुआल खाते पाए गए। लंबे समय से आसपास के लोग गौशाला की बदहाली पर शिकायत कर रहे थे, जहां मंगलवार को चेयरमैन अशोक जायसवाल ने गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भी वहां काफी लोग पहुंचे थे और गौशाला के बदहाली की शिकायत करने लगे, जहां चेयरमैन ने जिम्मेदारों को चेताते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी प्रेम बहादुर ने डीएम सहित सीएमओ को एक पत्र देते हुए गत दिनों हुई मारपीट में घायलों का एक्सरे कराए जाने की मांग की है। कहा कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसका प्राथमिक उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया जा चुका है। साधना देवी, अभिषेक कुमार, सुनीता के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, बावजूद एक्सरे नहीं कराया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए घायलों का एक्सरे कराए जाने की मांग की गई है। 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू होगा। इसके लिए नामांकन कक्ष की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तैयारियों का जायजा लेने खुद डीएम आरका खौरी अमले के साथ पहुंची थी। जिला मुख्यालय पर एडीएम व एसडीएम कोर्ट के समीप नामांकन कक्ष बनाया गया है। तीनों विधानसभा का नामांकन कक्ष अलग अलग बनाया गया है, जिसमें औराई विधानसभा के लिए एसडीएम चंद्रशेखर, भदोही के लिए एसडीएम अश्वनी कुमार पांडे व ज्ञानपुर विधानसभा के लिए एसडीएम योगेंद्र कुमार आरओ होंगे। साथ ही तीनों तहसील के तहसीलदार व वीडियो भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए बाकायदा बैरिकेटिंग कर नाकेबंदी की गई है। सिर्फ प्रत्याशी व प्रस्तावक ही अंदर जाने की अनुमति होगी। डीएम ने प्रकाश, साफ सफाई, सैनिटाइजर व सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय प्रदर्शन स्थल पर भारतीय किसान यूनियन टिकट ग्रुप के जिला अध्यक्ष एके चौबे के नेतृत्व में एक बैठक की गई है। बैठक में किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की चर्चा की गई, साथ ही संगठन को भी मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में किसान नेताओं ने भदोही जिले में धान क्रय केंद्र पर किसानों के धान खरीदने में की जा रही सुस्ती को लेकर नाराजगी जताई है। किसान यूनियन का आरोप है कि तय समय पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, ऐसे में किसानों की कमर वाहनों का भाड़ा चुकाते चुकाते टूट रही है। हफ्ते भर किसान धान बेचने के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह की समस्या दूर किए जाने की किसान नेताओं ने मांग की है। बैठक में इंद्रजीत मौर्या, राजेश सिंह, अशोक तिवारी, राधेश्याम आदि
मौजूद रहे। बीमारी का बहाना बनाकर चुनाव ड्यूटी से पल्ला झाड़ने वाले कर्मियों का तोड़ मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र ने निकाल लिया है। भदोही जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मंडलायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर लिया जाए। यह बोर्ड निर्वाचन ड्यूटी में लगे उन कर्मियों की जाँच करेगा जो अपने को बीमार बताकर निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने की गुहार लगा रहे हैं। कहा कि बोर्ड पारदर्शिता के साथ परीक्षण करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। उनकी जांच के बाद ही किसी भी निर्वाचन कार्य की ड्यूटी हटाई जा सकेगी। भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी पेट्रोल पंप के समीप साइकिल व बाइक में टक्कर हुई है। इस हादसे में मर्याद पट्टी के हुल्लासपुर निवासी साइकिल सवार शिवम पाठक व नई बाजार के चांदनी चौक निवासी बाइक सवार नाटे व साहिल नामक युवक घायल हुए हैं। शिवम पाठक साइकिल से अपने घर उल्लासपुर जा रहा था जबकि बाइक सवार नई बाजार से भदोही की तरफ जा रहे थे, जहां मर्याद पट्टी पेट्रोल पंप के समीप बाइक व साइकिल में टक्कर हुई है। हादसे में तीनों घायल हुए हैं। साइकिल व बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। सभी घायलों का उपचार एक निजी अस्पताल में कराया गया है। भदोही शहर के नई बाजार जाहिदपुर के दसवीं मैदान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा एक जनसभा आयोजित करेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को पार्टी के पदाधिकारियों ने मर्याद पट्टी हुल्लासपुर में शेख शहाबुद्दीन के आवास पर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव गोंड महेंद्र कुमार सिंह ने की, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की गई है। इस बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश कुमार गोंड, जमालुद्दीन, हंसराज धीवर, अनिल शर्मा आदि मौजूद रहे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दिव्यांग मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है, जिसके तहत मर्याद पट्टी प्राथमिक विद्यालय पर दिव्यांगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया, जहां चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी तरह औराई विकासखंड के अमवा प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर लेखपाल रश्मि श्रीवास्तव ने बैठक की और मतदान को लेकर जागरूक किया है। इसी तरह भदोही विकासखंड के बर्मा गाँव में तहसील कर्मचारियों द्वारा कैंप लगाकर दिव्यांगों को मतदान में हिस्सा लेने की अपील की गई है। भदोही के मसूदी में भी दिव्यांगों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की है। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी की एक बैठक संपन्न हुई है, जहां वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से भदोही जिले के विधानसभाओं में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर लोगों से जिताने की अपील करने की बात कही है। बैठक में राम सूरत गौतम, हृदय नारायण प्रजापति, सीताराम यादव, राजेश राव आदि मौजूद रहे। डीह ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बैजनाथ सरोज की माता सुभागी देवी का निधन हो गया है। वे 93 वर्ष की थी। सुभागी देवी पिछले 3-4 माह से बीमार चल रही थी और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां मंगलवार की सुबह 11 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और घर पर अंतिम सांसें ली हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बैजनाथ सरोज के माता के निधन की खबर सुनते ही उनके आवास पर पहुंचकर प्रेमचंद सरोज, रामराज यादव, सुशील बिंद, देवी प्रसाद सरोज आदि लोगों ने शोक व्यक्त किया है। भदोही शहर के चौरी रोड खंड विकास कार्यालय के सभागार में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी बीपी सिंह मौजूद रहे। इस दौरान विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभाओं के प्रधानों को सीडीओ ने अपील पत्र सौंपा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष व प्रथम नागरिक के रूप में प्रधानों का दायित्व बड़ा विशेष है। कहा कि 80 से ऊपर वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग जन, संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों को मतदान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की सुविधा दी गई है। मतदान स्थल पर हेल्प डेस्क, व्हील चेयर आदि जैसी सुविधाएं मौजूद रहेगी। इस मौके पर DPRO बालेश धर द्विवेदी, BDO राजा राम, प्रधान दिनेश पाठक आदि मौजूद रहे।
गोपीगंज में अलग अलग सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में दो महिलाएं सहित कुल तीन लोग घायल हुए हैं। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ने दबा लेकर लौट रही महिलाओं को टक्कर मारी है। हादसे में बहुरिया गांव निवासी शिवबली की पत्नी देवीपाल व रामबली की पत्नी प्रेमा देवी घायल हुई हैं। ट्रैक्टर सहित चालक को गोपीगंज पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसी तरह लालानगर टोल प्लाजा के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। वैवाहिक कार्यक्रम में चेरापुर जा रहे गाजीपुर निवासी चंदन राय नामक बाइक सवार घायल हुआ है। सभी घायलों का उपचार CSC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले में संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जहां मंगलवार को थमा है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार बढ़ी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मात्र 9 संक्रमित मरीज भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं, जबकि 43 मरीज ठीक हुए हैं। जिन स्थानों से संक्रमित मरीज पाए गए हैं उसमें औराई का 34 वर्षीय व्यक्ति, घोसिया की 36 वर्षीय महिला, डीक के नगरधा का 31 वर्षीय व्यक्ति, दरवासी का 22 वर्षीय युवक, अतरौरा का 62 वर्षीय वृद्ध, सिकरहरा का 30 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर ब्लॉक के होलपुर का 57 वर्षीय अधेड़, भदोही के बाजार सरदार खान की 26 वर्षीय युवती व दुर्गागंज के भौथर से 17 वर्षीय किशोर में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।